हे मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं देख रहा हूँ कभी कभी तुम्हारा मन बहुत उदास हो जाता है। कभी कभी तुम सोचते हो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे साथ ही इस प्रकार से बिहेव कर रही हैं। मेरे लिए ही सब कुछ अजीब हो रहा है। कई बार तो लगता है जैसे ये सब कुछ चीज़ें बकवास है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वट्रैक्शन कुछ नहीं है, सब बकवास है, ऐसा भी महसूस होता है। लेकिन हे मेरे प्यारे बच्चे, ये याद रखना कि तुम्हें जितनी चीज़ों की आवश्यकता है सिर्फ तुम्हें उतनी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। बिना वजह की जब तुम बिना वजह की बातों में खुद को उलझाते हो तो नकारात्मक शक्तियों के बीच फिर से तुम फंस जाते हो, और तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तुम्हें अपने आप को भीतर से बिल्कुल आज़ाद करना है, बिल्कुल फ्री करना है मेरे प्रिय। क्योंकि जब तुम गलत विचार मन में सोच लेते हो फिर वो किसी ना किसी रूप में तुम्हारे ही थ्रू कोई एक्शन कराती है, और फिर एक नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है, और फिर वो तुम्हें घेरती है और तुम्हें तकलीफ देती है मेरे प्यारे बच्चे, और थोड़े समय के लिए तुम्हारा ध्यान भटका देती है, जिससे तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होता। इसलिए है मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा तुम ये याद रखो, सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। मैंने तुम्हें तैयार किया है और तुम्हें तैयार कर भी रहा हूँ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरे प्रिय। तुम कभी भी किसी बात की कोई चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें गलत चीज़ों से गलत परेशानियों से निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चे। अपना ध्यान रखना, मैं मेरी ब्लेसिंग्स मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ही साथ है, तुम्हारे संग संग चलता है। तुम जब भी मुझसे गाइडेंस मांगते हो, तुम जब भी मुझसे मार्गदर्शन मांगते हो, तुम्हारी परेशानियों का तुम्हारी उलझनों का हल मैं चुटकियों में तुम्हें करके देता हूँ मेरे प्यारे। मैं अब तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा एक एक पल एक एक क्षण बहुत कीमती है, और यह समय तुम किसी अच्छे कार्य में लगा रहे हो मेरे प्यारे। इसीलिए जब भी तुम मुझसे मार्गदर्शन मांगते हो, मैं कुछ ही समय में तुम्हारे समक्ष तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं जीवन के आखिरी क्षण तक तुम्हारे साथ हूँगा, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना मेरे प्यारे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।